अरे दादाजी क्या बात है, आपका किस बात को लेकर महसूस ऐसे कर रहे हैं? क्यों अपना वक्त नहीं बताएगा भाई? अगर कोई मसला है तो बताएगी हल कर देते हैं। देव भाई जो बताओ थे। हाँ हाँ,
कुरान कुरान और हदीस का नाम है, इसको आपके मसलक के मोहतबर उलमा ही बता सकते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इत्तहलन नाज़ रूफन जुहालन फफतु बिगैर इल्म ज़ल्लु फज़ल्लु। कयामत के करीब लोग जाहिलों को सरदार बना लेंगे, जो ना शरीयत के जानकार होंगे और ना ही कुरान और हदीस के बारे में कुछ मालूम होगा। बेगैर इल्म के जहालत की बुनियाद पर लोगों को गलत मसला बताएंगे, गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह कर देंगे। इसी तरीके से एक जगह इरशाद फरमाया, سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي الله وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي। मेरी उम्मत में 30 झूठे पैदा होंगे और वो सब के सब दावा करेंगे कि वो अल्लाह के नबी हैं, हालांकि मैं आखिरी नबी हूँ और मेरे पास कोई नबी पैदा नहीं हुआ। काहे नबी काहे न पैदा हुए, नबी आए तो अच्छा बताए और नबी आए तो थोड़ा बुरी बात है। सही कहा तो चलने भैया। अरे दादा अब भी आप असल में पड़े हुए हैं। अरे दादा जी मेरे नबी आखिरी नबी हैं, जिस तरीके से ये उम्मत आखिरी उम्मत है, इसके बाद कोई उम्मत नहीं आएगी। जिस तरीके से ये किताब आखिरी किताब है, इसके बाद कोई दूसरी किताब नहीं आएगी। इसी तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और आखिरी रसूल है। अगर कोई ये इकरार करे कि आपके पास कोई दूसरा नबी आएगा, मोबाइल के जरिए से या दीगर वास्तों से मालूम हो तो अपने अकायद के मुआवजा और दीनी जानकारी से हासिल करें। जिस तरीके से कोई शख्स मोबाइल के जरिए से डॉक्टर प्रोफेसर इंजीनियर भी बन सकता, इसी तरीके से मोबाइल के जरिए से मुकम्मल दीन को हासिल नहीं कर सकता, बल्कि जरूरत पड़ेगी दीन के जानने वाले। हाँ समझ में आ गया मुल्ला साहब कि हर बात मुल्ला मुल्ले से पूछ के करोगे चाहिए और मुल्ला से जुड़ रही के चाहिए। आज से हम भी अपने मुल्ला से जुड़ रही है, आज से हम भी अपने मुल्ला से जुड़ के रही है और ये हमारे जो लड़कों हैं इनको अपने अपने अच्छे अच्छे मदरसे में पढ़ेंगे। क्या चिन्ने भैया तुम का कहा तो चलो सलाम।